Hey guys, good morning. Welcome to another video. हम लोग रामेश्वरम कल 6:30-7 बजे तक शाम में पहुंचे. उसके बाद हमारे पास होटल ढूंढने में हम लोग को 1 घंटा लग गया. तो फिर हम लोग ने होटल ढूंढा, 2-3 होटल्स ढूंढने में हम लोग को टाइम लगा. बट फिर वी गॉट अ प्रिटी गुड डील और फिर हम लोग ने होटल ले लिया. द होटल इज हियर ओनली और इट इज 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बीच और टेम्पल भी यहीं पे है सामने, ज्यादा दूर नहीं है. तो उसके बाद हम लोग ने कल कुछ किया नहीं, कल का कोई प्लान नहीं था बिकॉज वी वर टायर्ड. ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का जर्नी था और आज यहाँ पे अमावस्या है इसीलिए द टेम्पल, मेन टेम्पल जो होता है वो बंद है. तो आज हम लोग का प्लान है धनुषकोडी जाने का. अभी आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग फ्रेश होंगे और फिर धनुषकोडी के लिए निकलेंगे. तो रितु मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है. हम लोग महादेव की नगरी में आ गए हैं. महादेव नहीं, श्री राम छे. नहीं, महादेव है. कौन बोलियो? नहीं, यहाँ महादेव साक्षात आए हैं क्योंकि श्री राम ने उनको बुलाया था. राम तो आए थे लेकिन महादेव की ये साक्षात भूमि है जहाँ राम ने उनकी उपासना की थी. बच्चों को तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी ना. अच्छा लग रहा है. बच्चा नहीं देख रहा है, सब लोग देखेगा वीडियो. हमेशा मैं ज्योतिर्लिंग नाम बोलूं तो मन बहुत सरस लागे. सेतु बंधे तू रामेशंग नागेशंग दारुका बने इस जमीन में आवी गई छू. तो आपको बेरमो जाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, एकदम भी नहीं. बट बेरमो तो जाना होगा ना. लेकिन जाने का जरा भी मन नहीं हो रहा है. मन नहीं करने से नहीं होता है ना आपका. लेकिन वहाँ मेरे बच्चे हैं इसीलिए मैं जाऊंगी. कौन बच्चे? बच्चा साथ में? नहीं, मेरे स्कूल वाले बच्चे सब है वहाँ जिसके साथ मैं इतने दिन खुश रही हूँ और आगे भी खुश रहूंगी. तो बेरमो जाना है कि नहीं जाना है? जाना होगा और जाऊंगी. तो जाना तो होगा ही ना, ट्रिप खत्म होगा तो बेरमो ही जाना है. जाएंगे ना, जाएंगे. वहाँ मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे याद करते हैं और मुझे भी इसकी याद आ रही है. दो बच्चा लोग लेके आपको यहाँ पे ट्रिप में आया, कैसा लग रहा है? ये तो मेरे बहुत बहुत भाग्य है और अच्छे नसीब है कि मेरे दोनों बच्चे. थैंक यू बोल. थैंक यू. मेरे दोनों बच्चे मुझे इतने प्यार से और इतने अच्छे से घुमा रहे हैं. प्यार से ही लगे ना. इतना अच्छा से मुझे घुमा रहे हैं. इतने बड़े हो गए मेरे बच्चे, इतने लायक हो गए कि मुझे अच्छे से घुमा रहे हैं. दादा दादी को इतने अच्छे से घुमा रहे हैं. थैंक यू बोलो. थैंक यू. मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा. चलो बस बस, खत्म. तो एक दूसरा टेम्पल आया है यहाँ पे. यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे आके अगर ये ब्रांच में आप ऐसे करके नॉट बांधोगे तो आपकी विश पूरी होती है. तो ये मेरी एक विश, एक प्राची मैम के लिए भी करना हो गया. 3 विश हो गया. बाय द वे मैंने चश्मे चेंज कर लिए, अपग्रेड्स टू एविएटर. 100 रुपये के एविएटर, मस्त एकदम. पूरा रे बैन ही लग रहा है एकदम. रे बैन नहीं है, रे बयान है, रे बयान. तो हाँ, ये दूसरा मंदिर है. एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो नई है. आई गेस ये कोई नाग देवता या किसी का मंदिर है बिकॉज़ यहाँ पे छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं. अगर कोई लोग बनवाना चाहे तो वो बनवा सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये मंदिर के साइड में ऐसा है, ये एक सबसे बड़ा जो स्टैचू है ये नाग देवता का है और बाकी ये जो छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं ये आप बना सकते हो. तो अगर आप ये देखो तो ये सबसे बड़ा, मेरे को रिलेवेंस नहीं पता एग्जैक्टली इस जगह का, बट ये यहाँ पे बाकी सब जो है ये सारे नाग देवता के ही स्टैचूज हैं. इसी टेंपल के सामने एक छोटा सा लेक है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि अगर आपको पाप अपने धोने हो तो आप यहाँ पे आके पानी डाल सकते हो अपने ऊपर. तो इतने पाप किए हैं, मेरे को पूरा नहाना पड़ेगा यहाँ पे जाके और थोड़ा सा धो के आ जाएंगे. मेरा भी पाप धो दो. हाजी हाजी डाल दे. आगे के आगे, आगे के आगे पाप पाप पाप, सारा पाप धो गया. हेवन इज माइन नाउ.
सो आज क्योंकि धनुष कोड़ी बंद है, मोस्ट ऑफ आवर प्लान्स हैव गॉट कैंसल्ड, आज अमावस्या है, तो इससे पहले हम लोग APJ अब्दुल कलाम के घर गए थे यहाँ पे, और अभी प्लान ये है कि यहाँ पे लंच करेंगे और देर इज़ नथिंग मोर टू डू। तो हम लोग ने प्लान किया है कि यहाँ पे जो पम्मन ब्रिज है, जो आई गेस आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा, वो ब्रिज में हम लोग लोकल ट्रेन निकलेंगे और लोकल ट्रेन से वो पम्मन ब्रिज जाएंगे, वो पम्मन ब्रिज क्रॉस करके वापस हम लोग अपने कैब से आ जाएंगे, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिज। तो अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन में और सीन ये है कि हम लोग के जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो फिर अगर आप ट्रेन से मंडपम पहुँचते हो तो फिर वहाँ से जब मैं आपको लेके आऊँगा तो मेरे को 1500 से 1200 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो हम लोग ने उनको पूछा कि अगर हम लोग वहाँ से ऑटो से आते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि आप जाके वहाँ पे ऑटो का फेयर पूछ लेना। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को समझ में आया है कि कुछ 600-700 रुपये लगेंगे। तो हम लोग यहाँ से रामेश्वरम से अभी ट्रेन से जाएंगे, वो ब्रिज क्रॉस करेंगे, वो वाला जो ब्रिज है पम्मन ब्रिज जो मूवी में दिखाया था, और फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग एक ऑटो लेके वापस रामेश्वरम आएंगे। तो इतना सब कुछ जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिज। तो देखते हैं वहाँ पे अगर हम लोग को ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी तो खर्चा ज़्यादा हो गया, एक 15 मिनट के एक्सपीरियंस के लिए हम लोग को 700-800 रुपये देने पड़ रहे हैं, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। स्टेशन आ गया है, हम लोग उतरेंगे मंडपन में और मंडपन से वापस हम लोग जाएंगे रामेश्वरम। अब देखना होगा हम लोग को यहाँ से ऑटो वाटो मिलता है कि नहीं। मंडपम खाली पम्बन ब्रिज में आने के लिए आए हैं। हाँ, ये मंडपम है ना, हम लोग को सिर्फ पम्बन ब्रिज में आना था ट्रेन से देखने के लिए, इसलिए ट्रेन में आया, फिर वापस रामेश्वरम होटल। मैं ऐसे कुछ आज तक किया है पागल जैसा? ऐसे आपके पास मैक्सिमम कितना लोग बैठता है ऑटो में? मैं तो ऑटो में 5 रुपया। नहीं नहीं, मैक्सिमम कितना लोग बैठता है? पीपल हाउ मेनी पीपल मैक्सिमम? नहीं नहीं, ऑटो में मैक्सिमम पीपल कितना? लोकल्स लोकल में
ओके सो शाम में आने के बाद हम लोग सब सो गए थे बिकॉज वी वेर रियली टायर्ड. आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस दो तीन जो मंदिर थे वो गए वहाँ पे. बिकॉज आज अमावस्या है तो बहुत कुछ बंद था एंड वी डिडंट हैड अ चॉइस, कहीं और जा भी नहीं सकते थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो धनुषकोटी जाना था हम लोग को, वो भी आज बंद था अमावस्या के कारण, तो वो नहीं हो पाया. आई होप कल हम लोग ने कुछ ऐसा प्लान किया है अपने ड्राइवर के साथ कि वो पॉसिबल हो पाए, बट उसके लिए हम लोग को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा. सो कल का प्लान ये है कि सुबह उठना है और यहाँ का जो रामेश्वरम का जो मेन टेम्पल है उसका दर्शन करके उसके बाद धनुषकोटी के लिए निकलना है. तो उसका दर्शन करके आएंगे, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर सामान पैक करेंगे और फिर धनुषकोटी के लिए निकलेंगे. धनुषकोटी से निकलने के बाद हम लोग को दूसरी जगह जाना है जहाँ पे हम लोग की ट्रेन है, तो कल यहाँ से भी हम लोग को चेकआउट करना पड़ेगा और शाम को हम लोग को 6 बजे तक अपने रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा बिकॉज आज 8 बजे की ट्रेन है. तो कल पूरे दिन हम लोग ट्रेन में रहेंगे, शाम से लेकर रात तक परसों रहेंगे और आई गेस कल 7 तो 7 को पूरे दिन रहेंगे. 8 को हम लोग दोपहर को बैंगलोर पहुँचेंगे, बैंगलोर दोपहर को पहुँचेंगे और 8 बजे वापस मेरी फ़्लाइट है, रात के 9 बजे मेरी फ़्लाइट है टू दिल्ली. तो मेरा वापस दूसरा ट्रिप शुरू हो जाएगा और बैक टू बैक ट्रिप्स. ये ट्रिप ऐसे चला गया, मेरे को पता भी नहीं चला एंड आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये पूरा ट्रिप रिकॉर्ड किया बिकॉज मेरे को नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, बट एटलीस्ट फॉर माई रेफरेंस आई हैव ऑल थिंग डॉक्यूमेंटेड विच आई वॉन्टेड टू डू. सो बहुत कुछ सीखने भी मिला कैसे व्लॉग करते हैं, कैसे फेस करते हैं कैमरा बहुत लोगों के सामने. बट या दैट्स प्रॉब्ली इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ. अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिकॉज ये सारी छोटी चीज़ों से मेरे को समझ में आता है कि पीपल आर कनेक्टेड विथ मी. और जो भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ रिगार्डिंग एडिटिंग और यू नो मेकिंग वीडियोस आर मेकिंग वर्थ. ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड या स्टे कनेक्टेड.